हेलो नमस्ते वेलकम टू ई ऑनलाइन आज के क्विज में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर्स ऑफ एडजेक्टिव्स मीन्स आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स के एरर्स को सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो लास्ट वाली क्वीज से जस्ट आगे से है आई बिलीव दैट हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ देखिए यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मोर आया है जो हमेशा कंपेरेटिव के लिए यूज़ किया जाता है कंपेरेटिव डिग्री होती है और प्रीफरेबल आया है प्रेफरेंस मतलब भी यही होता है कि यार हमारे पास दो ऑप्शन है उन दोनों में से हमें कोई एक को प्रेफर करना है मतलब दोनों में से किस दोनों का कंपेरिजन करके हम किसी एक को प्रेफर कर रहे हैं तो मोर भी कंपेरिजन के लिए आता है प्रफरेंस भी यानी प्रेफरेबल भी कंपैरिजन के लिए आता है तो दो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी एक साथ यूज़ नहीं की जा सकती सो सेंटेंस क्या बनेगा आई बिलीव दैट हेल्थ इज सिंपली मोर हर्ट जाएगा यहाँ से प्रेफरेबल उसके बाद यहाँ पे लगेगा टू वेल्थ क्योंकि प्रेफरेबल के बाद में हमेशा टू लगता है नेक्स्ट है कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस पूरा सही लग रहा होगा आप लोगों को ऑब्वियसली सही भी है बट यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो मिसिंग है यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट बस यहाँ पे अदर एक मिसिंग था मतलब कालिदास ग्रेटर है दूसरे किसी भी ड्रामेटिस्ट से और अगर हम लोग नॉर्मली बोलते कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट तो कालिदास किसी ड्रामेटिस्ट से ग्रेटर है किसी ड्रामेटिस्ट से तो कौन सा ड्रामेटिस्ट है हमें पता नहीं चल रहा इसलिए यहाँ पे अदर लगाना भी कंपल्सरी है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड देखिए ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही चल गया होगा कि जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम लोग एक आर्टिकल का यूज करते हैं और वो आर्टिकल होता है द तो यहाँ पर आएगा मोस्ट से पहले हम लोग यूज करेंगे द सो सेंटेंस बनेगा इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट आई डोनेटेड अ फ्यू बुक्स आई हैड अब इसमें भी देखिए अगैन यहाँ पर ये सिंपली पता चल रहा है कि मैंने वो फ्यू बुक्स डोनेट कर दी जो मेरे पास थी वो फ्यू बुक्स तो मतलब पूरी की पूरी क्वान्टिटी की हम लोग बात करें सो so, यहाँ पर अ फ्यू की जगह पर आएगा द फ्यू देखिए फ्यू अ फ यू और द फ यू में बहुत ही छोटा सा डिफ्रेंस होता है इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जो आपको या तो आई बटन से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा आप लोग उसमें से जरूर देख लीजिए अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्यू मतलब होता है ऑलमोस्ट निगेटिव क्वांटिटी और फ्यू मतलब होता है थोड़ी सी पॉजिटिव क्वान्टिटी लेकिन थोड़ी क्वांटिटी दो फ्यू होता है थोड़ी ही क्वांटिटी की बात करते हैं लेकिन वो थोड़ी भी क्वांटिटी पूरी की पूरी हम बात कर लेते हैं सो so, सिंपली जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वो ही थोड़ी सी क्वांटिटी अगर बाद में हम पूरी की पूरी बात करें तो हम लोग दो फ्यू लगाते हैं नेक्स्ट है 19 के बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चूज द लीस्ट ऑफ टू एवल्स सो देखिए इस वाले सेंटेंस में हम लोगों को लीस्ट का यूज़ नहीं करना यहाँ पे हम लोगों को लेसर का यूज़ करना है क्यों क्यों यूज़ करना है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं दो की और दो के लिए हम लोग जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्वांटिटी जब अगर कम होती है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं मतलब अगर दो के बीच में कंपैरिजन हमें करना है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं जबकि सुपरलेटिव डिग्री होती है जब क्वांटिटी बहुत सारी होती है तो उसमें हम लोग सबसे बेस्ट बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं यहाँ पे दो एवल की बात की जा रही है कंपैरिजन दो के बीच में किया जा रहा है सो सिंपली यहाँ पे आएगा चूज़ द लेसर ऑफ टू एवल्स मतलब दो एवल्स में से कोई भी एक चूज कर लो कम वाला अब नेक्स्ट सेंटेंस है कोलकाता इज़ फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन भुवनेश्वर सो देखिए फर्दर मतलब भी आगे होता है लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फार और इसे फार की कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वो होती है फारदर सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फर्दर यहाँ पे आएगा फार्दर सेंटेंस बनेगा कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन भुवनेश्वर कोलकाता दिल्ली से ज़्यादा दूर है भुवनेश्वर से कोलकाता दिल्ली से ज़्यादा दूर है बजाय भुवनेश्वर के अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर ट्वेंटी टू द हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ द लार्जेस्ट सर्क्यूलेशन ऑफ एनी पेपर सो देखिए यह सेंटेंस भी आप लोगों को दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा होगा लेकिन जब भी हम लोग सुपर लेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग कभी भी एनी का यूज नहीं करते हैं सो सेंटेंस क्या बनेगा द हिंदुस्तान टाइम्स हैज द लार्जेस्ट सर्क्युलेशन ऑफ ऑल द पेपर्स यहाँ पे एनी की जगह आएगा ऑफ ऑल द पेपर्स क्योंकि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे एनी को यूज़ हम लोग नहीं करते इग्नोर करते हैं अवॉइड करते हैं सब so, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आता है माई नेबर इज़ एल्डर टू मी बाय फोर ईयर्स देखिए यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारे नेबर की नेबर हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है ये जो क्वेश्चन है इसे आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इस पर क्वेश्चन करते हैं इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है ये जो वर्ड है ना एल्डर ये एल्डर हम लोग उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे ब्लड रिलेटिव होते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सिस्टर वगैरह तो मतलब जो भी ब्लड रिलेटिव होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्डर और अदर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओल्डर तो यहाँ पे नेबर की बात की जा रही है नेबर हमारा ब्लड रिलेटिव नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ओल्डर यूज़ करेंगे दूसरी बात एल्डर के साथ में तो टू आ जाता है लेकिन ओल्डर के साथ कभी भी टू नहीं आता ओल्डर के साथ हमेशा देन आता है, सो so पे आएगा नेबर इज एल्डर टू मी की जगह आएगा ओल्डर देन मी बाय फोर इयर्स, एल्डर टू नहीं आएगा ओल्डर देन आएगा क्योंकि ये नेबर कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं है ऑब्वियस है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ इट इज मच हॉट टूडे अब देखिए यहां पे ये सेंटेंस हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यार ये सेंटेंस एकदम गलत है यहां पे मत्स की जगह आएगा वेरी हॉट इट इज वेरी हॉट टूडे मच नहीं आएगा क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऑल दो हॉट को हम काउंट नहीं कर पा रहे बट फिर भी हॉट के लिए कभी भी हम मत्स यूज नहीं कर सकते इसके लिए एक वर्ड प्रिफिक्सड है और वो है वेरी नेक्स्ट सेंटेंस नो लेस देन फिफ्टी सोल्जर्स वर् किल्ड अब देखिए ये हंड्रेड परसेंट सबको सही लग रहा होगा ऑब्वियसली जब पहली बार मैंने पढ़ा मुझे भी सही लगा बट यहाँ पे नो लेस देन की जगह हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे और वो वर्ड है नो फ्यूवर देन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार नो लेस देन या नो फ्यूवर देन में क्या डिफरेंसेज तो so, मैं बता देता हूँ फ्यूवर हम लोग उस क्वान्टिटी के लिए यूज करते हैं जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं एज सिम्पल एज देट लेस हम लोग उस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो यार सोल्जर्स की अगर हम लोग बात करें सोल्जर को हम लोग काउंट कर, so, कर सकते हैं ना ऑब्वियसली सो काउंट so, कर सकते हैं सो यहाँ पे आएगा फ्यूअर अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आती है जिसे हम काउंट नहीं कर पाते तो हम लोग यहाँ पे लेस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूअर ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ही इज द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन अब देखिए ये सेंटेंस जो है ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ द टाउन इसमें यहाँ पे और कोई भी एरर नहीं है पैरलिज्म की एरर है मतलब यहाँ पे जब हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है एबल की तो यहाँ पे रिच की भी सुपरलेटिव डिग्री हमें यूज करनी है सो सेंटेंस क्या बनेगा ही इज द एबलेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन रिच की जगह आ जाएगा रिचेस्ट मैन क्योंकि जैसा यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आया वैसे ही यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा नेक्स्ट सेंटेंस वट इज द फ्रेश न्यूज ऑफ टुडे अब देखिए न्यूज हम लोग नो no डाउट हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में फ्रेश न्यूज़ है लेकिन न्यूज़ कभी भी फ्रेश नहीं होती फ्रेश मतलब न्यूज़ कभी भी ताज़ा नहीं होती बल्कि न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होती है यानी अभी तक की ताज़ा न्यूज़ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो यार ताज़ा वो सब्जी की तरह हमें ताज़ा थोड़ी दिख रही है इसका मतलब अभी तक की अपडेटेड न्यूज़ है तो अपडेटेड को हम लोग लेटेस्ट बोलते हैं सो सेंटेंस बनेगा वॉट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं ट्वेंटी सेवन के बाद में ट्वेंटी failed मैनी जो सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है मैनी अ के बाद में अगर कोई भी मतलब मैनी को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और मैनी अ के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और यहां पे जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होएगा सो हैज मैनी अ बॉय हैज फेल्ड मैनी अ बॉय हैव फेल्ड नहीं आएगा मैनी अ बॉय हैज फेल्ड नेक्स्ट है इट इज द मोस्ट एक्सीलेंट वर्क ऑफ आर्ट अब देखिए ये सेंटेंस पूरा सही लग रहा होगा बिल्कुल लग रहा है देखिए सेंटेंस में मैं बता देता हूँ क्या गलती है ये जो सेंटेंस है इसमें हम हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है एक्सीलेंट और एक और वर्ड यूज किया है मोस्ट या ये जो एक्सीलेंट है ये खुद ही एक सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है तो दो सुपरलेटिव डिग्री हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते इसलिए यहां पे क्या आएगा इट इज द एक्सलेंट वर्क ऑफ आर्ट यहां पे मोस्ट नहीं आएगा इट इज द वर्क ऑफ आर्ट नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर बैडली रिटर्न अब देखिए इस सेंटेंस में टू फर्स्ट की जगह सिर्फ इन दोनों का सीक्वेंस हमें चेंज करना है यहां पे आएगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स क्योंकि टू फर्स्ट का मतलब है दो फर्स्ट मतलब पहले तो यार दो चैप्टर पहले कैसे हो सकते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट टू चैप्टर्स मतलब एक बुक में बहुत सारे चैप्टर्स है एक बुक है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है तो इसके फर्स्ट टू चैप्टर यानी स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स ऐसे हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग के दो चैप्टर तो फर्स्ट टू का मतलब होता है स्टार्टिंग के दो लेकिन टू फर्स्ट का मतलब हो गया दो चैप्टर स्टार्टिंग के और दो चैप्टर स्टार्टिंग के ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब दो चैप्टर हो गए तो वो पहले चैप्टर तो होंगे ही नहीं वो तो दूसरा ही हो गया ना सो सेंटेंस बनेगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर बैडली रिटर्न सो यहाँ पे हमारी आज की क्वेस्ट भी पूरी हो गई आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा अगर फिर भी आप लोगों के किसी तरह के कोई डाउट है सजेशन क्वेरी या कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया है उसमें अपनी क्वेरी आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं और अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो का सजेशन अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने री आई से ऑनलाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत राधे राधे